हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 5 उबले हुए आलू। एक बर्तन में आलूओं को ग्रेट कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें और फाइन मिक्सचर तैयार हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ओरिगैनो। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। इसे मैंने घर पर बना लिया है। 2 ब्रेड को मिक्सी में पीस लिया है और ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया है। ये मैंने 1 कटोरी के करीब लिया है। यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज किया है, आप व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और 15-20 मिनट फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा टाइट हो जाए। उसके बाद हम इसके बाइट्स बनाएंगे। अब हम थोड़े से पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। अब थोड़ा रिफाइंड ऑयल हाथ में लगा लें और इसके बाइट्स बनाएं। अब आप चकले के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा आलू का पोर्शन लेकर इस तरह रोल कर लें और जिस साइज के बाइट्स बनाने हैं उस शेप में रोल कर दें। अब चाकू की हेल्प से इसे पीसेस में काट लेंगे और हल्के हाथों से रोल करते हुए शेप देंगे। इस तरह से मैंने सारे पोटैटो बाइट्स बना के रेडी कर लिए हैं। कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को थोड़ा हिला लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। अब पोटैटो बाइट्स को कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डालकर स्पून से चारों तरफ से इसे कोट कर दें। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लेंगे। इस तरह मैंने ब्रेड क्रम्ब में रोल करके सारे बाइट्स तैयार कर लिए हैं। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब बनाना चाहे बना सकते हैं। अब मैंने तेल गर्म कर लिया है और एक एक करके बाइट इसमें डालते जाएंगे। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हुए हैं और खाने में ये लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी नई रेसिपी में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।